नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेके। दोस्तों, क्या आपको पता है अब मनरेगा में काफी शक्ति दिखाई जाएगी, यानी कि मनरेगा में ना शिकायत आने पर भुगतान का आप सत्यापन भी करा सकते हैं। यानी कि अगर आप मनरेगा के तहत काम किए हैं और आपका भुगतान नहीं कराया जा रहा है तो आप सीधा जिलाधिकारी के पास जाकर एक शिकायत पत्र जमा करा के प्रधान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से एक जौनपुर से निकल के समाचार आ रहा है जिसमें ऐसा कहा गया है कि कई जगहों पर ईंट के भट्ठों को लेके, उनके मानक को लेके सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर तो मनरेगा मेट या मनरेगा कर्मियों से काम नहीं कराए जाते हैं, फिर भी वहां पर उनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर किस तरीके से जौनपुर से निकल के एक समाचार, एक न्यूज़ आ रहा है जिसमें कहा गया है कि बाजारों को स्मार्ट बनाया जाना है, इन बाजारों में सफाई कराएं और कूड़ा घर व्यवस्थित करें, वहां किसी महापुरुष की मूर्ति लगवाई जाए। यह बात विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बुधवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कही। दोस्तों, मनरेगा की समीक्षा करते हुए इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें कही जिसको हम लोग इस वीडियो में आगे जानते हैं। इससे पहले निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, की जैसे देखिए, मनरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, कहीं भी मशीन से काम नहीं होना चाहिए। CDO यानी कि मुख्य विकास अधिकारी से मनरेगा में अधिक भुगतान करने वाले गाँव में कार्यों का सत्यापन टीम बनाकर कराने को कहा। DC मनरेगा भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रोज एक ब्लॉक के मनरेगा के काम का सत्यापन करें, अभियान चलाकर एक सप्ताह में जॉब कार्ड का सत्यापन कराया जाए ताकि मजदूरों के भुगतान में देर ना हो। जो भी ग्राम प्रधान या सचिव पैसा हड़पते हैं उनके खिलाफ जरूरी यानी कि सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, भी कहा कि मंगलवार एवं शुक्रवार को ब्लॉकों में श्रम विभाग की ओर से पंजीकरण शिविर लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पंजीकरण शिविर लगाया जाए। उन्होंने गांव में जमीन चिन्हित करके खेल मैदान बनाने, विद्यालयों के कायाकल्प का काम पूरा करने को भी कहा। विद्यालयों का बिजली का कनेक्शन भी दिलाया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार एक सप्ताह का अभियान चलाकर सफाई कराने को कहा। मुख्य विकास अधिकारी साई तेजासीलम, जिला विकास अधिकारी बीवी सिंह, PD जयकेश त्रिपाठी, DSTO RD यादव आदि उपस्थित रहे। ईंट भट्ठों पर मानक का हो पालन। दोस्तों, कई जगहों पर जिस भी भट्ठे से ईंट लिया जा रहा है वहां पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि वहां पर कौन सी ईंट, रद्दी किस्म का ईंट लोग खड़ंजे और नाले में लगा रहे हैं ताकि उसकी वैलिडिटी ज़्यादा ना हो, जबकि सरकार की तरफ से पैसे पूरे आते हैं। दोस्तों, इस ईंट भट्टों के संबंध में बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने कहा, ऐसे भट्टे जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं उनके ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी AMA जिला पंचायत एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की संयुक्त टीम ईंट भट्टों का निरीक्षण करेगी। सभी ईंट भट्टे प्रदूषण की NOC होनी चाहिए, उनका पंजीकरण हो और रॉयल्टी जमा हो रही हो। सहायक श्रम आयुक्त गौतम गिरी, महामंत्री ईंट भट्टा समिति अनिल सिंह आदि उपस्थित रहे। दोस्तों, आने वाले समय में मनरेगा को लेके बहुत कुछ होने वाला है, तो जो भी मनरेगा कर्मी है अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आप सीधे तौर पर ब्लॉक में जाकर शिकायत पत्र दर्ज करा सकते हैं। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए इस तरीके की जानकारी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।